हरे कृष्ण। हम लोग श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद पंचम अध्याय से पाठ कर रहे हैं। विदुर बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न मैत्रेय से पूछ रहे हैं, कृष्ण कथा सुनाने संबंधित। उसी श्रृंखला में श्लोक संख्या 15 से हम आगे पाठ करें। सदस्य कोशारभ शर्म दातु हरे कथामेव कथा सुसारम उद्धृत्य पुष्पे भेवार्थ बंधो शिवाय नः कीर्तया तीर्थ कीर्ते। अजय प्रभु पढ़िए। हे मित्र, हे दुखियारों के मित्र, एकमात्र परम भगवान की महिमा सारे जगत के लोगों का कल्याण करने वाली है। अतएव जिस तरह मधुमक्खियां फूलों से मधु एकत्र करती है, उसी तरह कृपया समस्त कथाओं के साथ कृष्ण कथा का वर्णन कीजिए। जितनी सारी वार्तालाप इत्यादि दुनिया में होती हैं उनसे श्रेष्ठ है शास्त्रों की बात। और शास्त्रों में भी जितना रस है उसमें सारा तिसार रस है कृष्ण कथा। तो मधुमक्खी फूल के ऊपर बैठती है और उस फूल में से केवल मधु को चुन करके ले जाती है। उसी प्रकार विदुर मैत्रेय को ये प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हमको सारे शास्त्रों का सारा तिसार कृष्ण कथा का वर्णन कीजिए। आयुष प्रभु पढ़िए तात्पर्य। तात्पर्य विभिन्न भौतिक गुणों वाले भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिए अनेक प्रकार की कथाएं होती है, किंतु सबसे आवश्यक कथाएं वे हैं जो भगवान से संबंधित होती हैं। दुर्भाग्यवश भौतिक रूप से प्रभावित बद्ध जीव भगवान की कथाओं के प्रति न्यूनाधिक विमुख रहते हैं, क्योंकि इनमें से कुछ लोग ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखते और कुछ ईश्वर के केवल निर्विशेष रूप में ही विश्वास करते हैं। दोनों ही दशाओं में उनके लिए ईश्वर के विषय में कुछ भी नहीं कहना होता। विश्वास न करने वाले तथा निर्विशेषवादी दोनों ही समस्त कथाओं के सार से इनकार करते हैं। अतः वे या तो इंद्रतृप्ति विषयक कथाओं में या मानसिक चिंतन में अपने को लगाते हैं। विदुर जैसे शुद्ध भक्तों के लिए संसारी लोगों तथा मानसिक चिंतकों दोनों ही की कथाएं सभी तरह से व्यर्थ है। अतः विदुर ने मैत्रेय से केवल सार अर्थात कृष्ण कथा के विषय में बातें करने की प्रार्थना की, अन्य किसी विषय पर नहीं। हरे कृष्ण। उन्हें पूछने के लिए बहुत सारी बातें हैं। कर्मी ज्ञानी सभी तो पूछ रहे हैं, कोई सुन रहा है, लेकिन शुद्ध भक्तों की आशा क्या है कि ये सब तरह के विषय वस्तुएं जो सुनने के लिए बोलने के लिए उनका सारा तिसार कृष्ण कथा सुनने के लिए मिल जाए, उससे बड़ा अवसर और क्या होगा। स विश्व जन्मा स्थिति सम्यमार्थे कृत्वावतारा प्रगृहीत शक्ति चकार कर्माणि अति पुरुषाणि यानीश्वरा कीर्तयतानि मह्यम्। अजय प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा। प्रभु कृपया उन परम नियंता श्री भगवान के समस्त अति मानवीय दिव्य कर्मों का कीर्तन करें, जिन्होंने विराट सृष्टि के प्राकट्य तथा पालन के लिए समस्त शक्ति से समन्वित होकर अवतार लेना स्वीकार किया। उन भगवान के विषय में हमको बताइए जिन्होंने अपने ही सृष्टि के पालन करने के लिए अपने अवतारों की सृष्टि की। उन भगवान के विषय में सुनना चाहते हैं, उनके अवतारों के विषय में सुनना चाहते हैं। प्रमोदानंद प्रभु जी पढ़िए तात्पर्य। निसंदेह विदुर कृष्ण के विषय में विशेष रूप से सुनने के अत्यंत उत्सुक थे, किंतु वे भावाभिभूत थे क्योंकि कृष्ण ने दृश्य जगत से हाल ही में प्रयाण किया था। अतः विदुर ने उनके उनके उन पुरुष अवतारों के विषय में सुना चाहा जिन्हें वे विराट जगत की सृष्टि तथा भरण पोषण के लिए पूर्ण शक्तियों समेत प्रकट करते हैं। पुरुष अवतारों के कार्यकलाप भगवान के कार्यों के विस्तार मात्र होते हैं। विदुर ने मैत्रेय को यह संदेश दिया क्योंकि मैत्रेय ये तय नहीं कर पा रहे थे कि कृष्ण के कार्यों पे किस अंश का अधिकरण किया जाए। हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो मैत्रेय सोच रहे थे अब इनको क्या सुना है, कृष्ण की कथाएं अवतार तो अनंत है। तो विदुर ने उसका भी समाधान कर दिया।
उन्होंने बोला भगवान जिस प्रकार सृष्टि का पालन करते हैं वो अवतारों की कथा सुनाइए। तो भगवान पालन करते हैं विष्णु रूप में, विष्णु तीन रूप में है जिनको पुरुष अवतार बोला जाता है, तो उनके विषय में सुना करके मैत्री मुनि शुरुआत करेंगे कथा। तो यहाँ पर विदुर के प्रश्नों का अंत होता है। सुखदेव गोस्वामी आगे बताए, श्री शुकोवाच सैवं भगवान पृष्ठा श्रोत्रा को शरा वो मुनि पुंसाम निश्रेषया सार्थेन तमाह बहुमानयम्। पायल माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, विदुर का अत्यंत सम्मान करने के बाद विदुर ने अनुरोध पर समस्त लोगों के महानतम कल्याण हेतु महर्षि मैत्रेय मुनि से बोले। तो मैत्रेय मुनि विदुर का सम्मान कर रहे, क्योंकि जिस प्रकार के प्रश्न उन्होंने बोले हैं उन प्रश्नों की बड़ी महिमा है। आगे अगले श्लोक में मैत्रेय मुनि उनका गुणगान करेंगे और सभी के कल्याण हेतु, सभी जीवात्माओं कल्याण हेतु कृष्ण कथा बोलना मैत्रेय मुनि शुरू कर रहे हैं। रेखा माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण। महर्षि मैत्रेय मुनि को यहाँ पर भगवान कहा गया है क्योंकि विद्या तथा अनुभव में वे सामान्य मनुष्यों से आगे बढ़ चुके थे, अतः विश्व के लिए महानतम सेवा का उनका चुनाव प्रामाणिक माना गया है। संपूर्ण मानव समाज की समग्र कल्याण सेवा तो भगवान की भक्ति में सेवा है, और विदुर के अनुरोध पर मुनि ने उसका बहुत उपयुक्त रूप से वर्णन किया। हरे कृष्ण। कई बार भगवान के भक्तों को भगवान नाम से संबोधित करते हैं, जैसे भगवान व्यास देव, भगवान नारद इत्यादि, भगवान शिव इत्यादि, क्योंकि भगवत तत्वों में वो लोग इतने निमग्न हैं, भगवान जैसे ही वो हो जाते हैं, इसीलिए उनको कई बार भगवान नाम से संबोधित किया जाता है, या मैत्री मुनि को भी भगवान नाम से संबोधित किया है। मैत्री उवाच, और मैत्री बोलना शुरू करें। मैत्री उवाच साधु पृष्ठम त्वया साधु लोकान् साधु अनुगृहता कीर्तिम वितान वता लोके आत्मनोद्धोक्ष जात्मना। नीलिमा माता जी पढ़िए। शालिनी माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। श्री मैत्रेय ने कहा, हे विदुर, तुम्हारी जय हो। तुमने मुझसे सबसे अच्छी बात पूछी है। इस तरह तुमने संसार पर तथा मुझ पर अपनी कृपा प्रदर्शित की है, क्योंकि तुम्हारा मन सदैव भ्रम के विचारों में लीन रहता है। हरे कृष्णा। देखिए, कृष्ण कथा बोलने का अगर कोई अवसर हमें दे रहा है, ये भी उनकी कृपा है, ये कृपा समझना चाहिए। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए अरे मैं इनको कथा सुना रहा हूँ तो मैं बहुत बड़ा उपकार इनके ऊपर कर रहा हूँ। नहीं, जो कथा सुनाने का मौका दे रहे हैं वास्तव में वो हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं। मैत्रेय मुनि विदुर को बोल रहे हैं तुम्हारी जय हो, तुम मेरे ऊपर कृपा कर रहे हो कि तुम मुझे भगवत संबंधी बात बोलने का मौका दे रहे हो, और केवल मेरे ऊपर ही नहीं सारे संसार के ऊपर तुम कृपा कर रहे हो। तो जो लोग कृष्ण कथा बोलते हैं उनको तो भगवत कृपा मिलती ही है, जो लोग आयोजन करते हैं उनको और ज्यादा कृपा मिलती है। जिस प्रकार प्रभुपाद के कई शिष्य प्रभुपाद के लिए कार्यक्रम बनाते थे, प्रभुपाद को बड़े बड़ी यूनिवर्सिटीज में ले जाते थे, उनको पता था कि हम कृष्ण कथा नहीं बोल पाएंगे लेकिन हम प्रभुपाद को कृष्ण कथा बोलने के लिए आयोजन कर सकते, तो वो भी कृष्ण कथा बोलने के लिए आयोजन करना, कार्यक्रम बैठाना, ये भी भगवान की सेवा है। और यह मैत्री विदुर को इसलिए धन्यवाद दे रहे हैं कि आपने इस प्रकार एक आयोजन बना दिया प्रश्न पूछ करके कि अभी कृष्ण कथा का प्रवाह बहेगा और सारे संसार के ऊपर आपने कृपा की है, मुझ पर भी आपने कृपा की है। और आप ऐसा क्यों कर पाए, क्योंकि हमेशा आपका जो चित्त है, आपका जो मन है, कृष्ण में ही आ सकता है, तो इसलिए आप कृष्ण को दूसरों के साथ बांटने के लिए इस प्रकार का आप आयोजन कर रहे हैं। राजीव प्रभु तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। तात्पर्य, ब्रह्म विज्ञान में अनुभवी मैत्रेय मुनि समझ गए कि विदुर का मन पूर्णतया ब्रह्म में लीन है। अधोक्षज का अर्थ है जो इंद्रिय अनुभूति या इंद्रिय अनुभव की सीमाओं को लांग जाता है। भगवान हमारे इंद्रिय अनुभव के परे हैं, किंतु वे निष्ठावान भक्त के समक्ष
अपने को प्रकट करते हैं। क्योंकि विदुर भगवान के विचार में सदैव लीन रहते थे, अतएव मैत्रेय विदुर के दिव्य महत्व का अनुमान लगा सके। उन्होंने विदुर के मूल्यवान प्रश्नों को सराहा और अत्यंत आदर के साथ उन्हें धन्यवाद दिया। हरे कृष्ण। इस प्रकार से इंग्लिश में कहावत है, इट टेक्स वन टू नो वन। अगर हमारा स्तर आध्यात्मिक नहीं होगा तो हम साधु पुरुषों को पहचान भी नहीं पाएंगे। लेकिन यह मैत्री भी आध्यात्मिक स्तर में उन्नत है और वो विदुर को भी पहचान पा रहे हैं कि वो भी आध्यात्मिक रूप से पूर्ण रूप से आसक्त हैं कृष्ण से। तो दोनों के कॉम्बिनेशन से, दोनों के समन्वय से अभी कृष्ण कथा हमको सुनने के लिए मिलती है। ऐसे भगवान की कथा जो अधोक्षज हैं, जिनको भौतिक इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जा सकता, केवल उनकी कथा श्रवण करके हम उनके विषय में जान सकते। नैत चित्रम त्वयि शतार बादरायन विराजे ग्रीतो नान्य भावेना यत्वाय हरिरीश्वरा। यमुना माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हे विदुर, यह तनिक भी आश्चर्यप्रद नहीं है कि तुमने अनन्य भाव से भगवान को इस तरह स्वीकार कर लिया है, क्योंकि तुम व्यासदेव की वीर्य से उत्पन्न हो। हरे कृष्ण। तो अभी विदुर के जो महान वंश है उनके विषय में बताया जा रहा है। उनकी माता दासी थी, लेकिन उनके पिता व्यासदेव के विषय में बताया जा रहा है। व्यासदेव भगवान के शुद्ध भक्त और शक्तावेश अवतार हैं, और उनके आप पुत्र हो तो आपके पास से इस प्रकार की जिज्ञासा आना ये तो स्वाभाविक है। इसमें आश्चर्य क्या है, कोई सामान्य जन ये इस तरह की जिज्ञासा नहीं कर सकता। लेकिन आप स्वयं व्यासदेव के पुत्र हैं, इसीलिए आपसे इस प्रकार की अपेक्षा स्वाभाविक है। अमित प्रभु तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण बाबू जी, नंदवत प्रणाम। तात्पर्य, यहाँ पर विदुर के जन्म को लेकर महान वंश तथा कुलीन जन्म का मूल्यांकन किया गया है। मनुष्य के संस्कारों का अनुशीलन तभी से शुरू हो जाता है जब पिता अपना वीर्य माता के गर्भ में स्थापित करता है। जीव अपने कर्म के स्तर के अनुसार विशिष्ट पिता के वीर्य में अवस्थित कर दिया जाता है, और चूंकि विदुर सामान्य जीव न थे अतएव उन्हें श्री वासुदेव के वीर्य से जन्म लेने का अवसर प्रदान किया गया। मनुष्य का जन्म एक महान विज्ञान है, अतएव वैदिक अनुष्ठान के अनुसार वीर्य स्थापन का संस्कार जो गर्भोदान संस्कार कहलाता है, उत्तम जनसंख्या को उत्पन्न करने हेतु यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। मूल समस्या जनता की वृद्धि को रोकने की नहीं, अपितु विदुर, श्री व्यासदेव तथा श्री मैत्रेय मुनि जैसी अच्छी संतति उत्पन्न करने की है। यदि जन्म संबंधी समस्त सावधानियों के साथ बच्चे मनुष्य के रूप में उत्पन्न हो तो जनसंख्या वृद्धि रोकने की कोई आवश्यकता नहीं है। तथा कथित जन्म नियंत्रण संतति निरोध न केवल दूषित है अपितु निरर्थक भी है। हरे कृष्ण बाबू जी। कोई भी देश ये नहीं बोल सकता कि अगर हमारे यहाँ पर 1 लाख अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे लोग पैदा हो जाएं तो हमको नहीं चाहिए, या कोई बोले कि हमारे यहाँ 1 लाख महान परीक्षित महाराज जैसे अगर लोग पैदा हो जाएं तो हमको नहीं चाहिए। नहीं, समस्या क्या है, जनसंख्या जो शूद्र प्रवृत्ति की है, जनसंख्या जो आध्यात्मिक रूप से विमुख है, जनसंख्या जो दूसरों का शोषण कर रही है, ऐसी जनसंख्या से हम परेशान। प्रभुपाद बोल रहे हैं कि अगर समाज में कृष्ण भावनामृत हो और पिता आदर्शवान हो व्यासदेव जैसे, तो उनके यहाँ पर पुत्र विदुर जैसे ही होंगे। तो ऐसी जनसंख्या तो हमको चाहिए, ऐसी जनसंख्या से हमारी कोई समस्या नहीं है। तो अगर समाज में सबसे बड़ी जागरूकता लानी है तो वो कृष्ण भावनामृत की लानी। जब समाज कृष्ण भावना भावित होगा तो जो भी संतानें होंगी वो समाज का भला ही करेंगी, और ऐसी जनसंख्या समाज पर बोझ नहीं अपितु वरदान होगी। श्लोक संख्या 20। मांडव्य शापद भगवान प्रजा सम्या मनोयमा भ्रातु क्षेत्रे भुजिष्यायाम जाता सात्वती सुतात। तो मैत्रेय मुनि विदुर की प्रशंसा कर रहे हैं प्रश्न पूछने के लिए, दूसरी प्रशंसा की है
कि आप व्यासदेव के पुत्र हैं। अब तीसरी प्रशंसा कर रहे हैं कि वास्तव में विदुर कौन थे, विदुर कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, विदुर कौन है इस श्लोक में परिचय दिया जा रहा है। मधु माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। मैं जानता हूँ कि तुम मांडव मुनि के श्राप के कारण अभी विदुर बने हो और इसके पूर्व तुम जीवों की मृत्यु के पश्चात उनके महान नियंत्रक यमराज थे। तुम सत्यवती के पुत्र श्री व्यास देव द्वारा उसके भाई की दासी दासी पत्नी से उत्पन्न हुए। हरे कृष्ण धन्यवाद प्रणाम। तो विदुर कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, यमराज स्वयं है। यमराज को श्राप मिला और श्राप के मांडव्य ऋषि के श्राप के माध्यम से उनको ये जन्म मिला। लेकिन श्राप तो एक बहाना था। कई बार ऐसा होता है कि अपना कार्य करते 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 व्यक्ति सोचता है कि कब तक ये काम करता रहूंगा, थोड़ा अगर समय श्रवण कीर्तन के लिए मिल जाए कितना अच्छा रहे। तो उसी प्रकार से यमराज के मन में भी आया कि अरे मैं कितना दिन ये लोगों के पाप और पुण्यों का हिसाब करके उनको दंड देता रहूंगा, थोड़ी समर वेकेशन विंटर वेकेशन हमको भी मिलनी चाहिए। तो युधिष्ठिर सॉरी यमराज उस प्रकार से श्राप के बहाने से विदुर के रूप में आते हैं और भगवान के श्रवण कीर्तन में पूरा जीवन अपना निमग्न करते हैं। तो इस प्रकार विदुर के आइडेंटिटी भी बताई जा रही है, उनकी पहचान बताई जा रही है कि सामान्य व्यक्ति नहीं है, वास्तव में यमराज स्वयं है। यामिनी माता जी तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। तात्पर्य, मांडव्य मुनि एक महान ऋषि थे और विदुर अपने पूर्व जन्म में नियंत्रक यमराज थे जो जीवों की मृत्यु के बाद उनका कार्यभार संभालते हैं। इस भौतिक जगत में रहने वाले जीवों की तीन दशाएं हैं, जन्म, भरण पोषण तथा मृत्यु। एक बार मृत्यु के पश्चात नियुक्त नियंत्रक के रूप में यमराज ने मांडव्य मुनि को उनके बचपन के दुराचार के लिए दंड दिया और उन्हें भाले से छेदे जाने का आदेश दे दिया। इस अनुचित दंड के लिए यमराज पर क्रोध होकर मांडव्य ने उसे शूद्र बनने का शाप दे दिया। इस तरह यमराज ने विचित्र वीर्य की रखेल पत्नी के गर्भ से विचित्र वीर्य के भाई व्यासदेव के वीर्य से जन्म लिया। व्यासदेव सत्यवती के गर्भ से उत्पन्न भीष्मदेव के पिता शांतनु के पुत्र थे। विदुर का यह रहस्यमय इतिहास मैत्रेय मुनि को ज्ञात था क्योंकि वे व्यास देव के समकालीन मित्र थे। रखेल पत्नी के गर्भ से जन्म होने के बावजूद विदुर ने महान भगवत भक्त होने की सर्वोच्च प्रतिभा का उत्तराधिकारी प्राप्त किया क्योंकि उनके माता पिता महान थे और उनका प्रभु जी प्लीज स्कॉल अप। और उनका संबंध महान था। ऐसे महान वंश में जन्म लेना भक्तिमय जीवन प्राप्त करने के लिए लाभप्रद है। विदुर को यह अवसर अपनी पूर्व जन्म की महानता के कारण प्राप्त हो सका। एक तो स्वयं यमराज थे तो उनका उनका स्तर काफी ऊंचा था। दूसरा व्यासदेव के पुत्र बन के आए तो भी उनका स्तर ऊंचा था। और तीसरा भगवत भक्त थे तो हिसाब से भी उनका स्तर ऊंचा था। और यहाँ पर एक और बात पता पड़ती है कि यद्यपि शूद्रानी के घर में जन्म लिए और दुर्योधन ने शूद्र पुत्र दासी पुत्र बोल करके अपमान विदुर का किया, लेकिन महात्मा मैत्रेय उनको यहाँ प्रशंसा कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। तो जन्म के आधार पर किसी भक्त का विचार करना यह अपराध होता है, लेकिन भक्त का विचार कैसे किया जाना चाहिए कि उसकी भक्ति कितनी श्रेष्ठ है। तो यहाँ विदुर की भक्ति श्रेष्ठतम प्रश्नों के रूप में सामने दिख रही है और मैत्रेय मुनि उन्हीं प्रश्नों को प्रशंसा करते हुए विदुर की स्तुति कर रहे हैं। श्लोक संख्या 21। भवान भगवतो नित्यं सम्मत सानुगस्यः यस्य ज्ञानोपदेशाय मानिसद् भगवान व्रजन। बादल प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। आप भगवान के नित्य संगीतों में से एक हैं जिसके लिए भगवान आपके धाम वापस जाते हैं। समय मेरे पास उपदेश छोड़ गए हैं। यमराज यमराज कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। जब द्वादश महाजनों की सूची भागवत में आती है
उस द्वादश महाजनों में एक यमराज भगवान के शुद्ध भक्त हैं। तो यहाँ मैत्रेय विदुर को बोल रहे हैं कि आप भगवान के शुद्ध भक्त, भगवान के नित्य संगी हैं, इसलिए जो उपदेश मैंने सुने भगवान से भगवान के धाम जाने के पहले, वो उपदेश वास्तव में मेरे से ज्यादा आपके लिए है। तो एक तरह से मुझे इसीलिए भगवान ने ये उपदेश बताया कि मैं बाद में जाके आप जैसे शुद्ध भक्त को बता सकूं। तो वास्तव में ये उपदेश मैं उसके लायक नहीं हूं, लेकिन आपके लिए भगवान छोड़ करके गए हैं। तो ये आपके प्रश्न मेरे लिए एक अवसर है कि मैं उपदेशों को आपको सुनाऊं जो भगवान आपके लिए ही छोड़ के गए हैं। तो देखिए कितनी विनम्रता पूर्ण रूप से, मैत्रेय का स्वभाव, विदुर का स्वभाव, एक भक्त कितना सरल, कितना सौम्य होना चाहिए, हम इन सब आदर्शों से सीख सकते हैं। बसंत प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य, मृत्यु के पश्चात जीवन के महान नियंत्रक यमराज जीवों के अगले जीवन के भाग्य का निर्णय करते हैं। वे निश्चय ही भगवान के प्रतिनिधियों में सर्वाधिक विश्वसनीय है। ऐसे विश्वसनीय पद उन महान भगवत भक्तों को दिए जाते हैं जो वैकुंठ में भगवान के नित्य संगियों के समान होते हैं। क्योंकि विदुर उनमें से एक थे, अतएव वैकुंठ वापस जाते समय भगवान मैत्रेय के पास विदुर के लिए उपदेश छोड़ते गए। सामान्यतया भगवान के वैकुंठ के संगी बौद्धिक जगत में नहीं आते, किंतु कभी कभी भगवान के आदेश से वे किसी प्रशासनिक पद का भार संभालने नहीं, अपितु भगवान का सानिध्य प्राप्त करने अथवा मानव समाज में भगवान के संदेश का प्रसार करने के लिए आते। ऐसे शक्ति प्रदत्त प्रतिनिधि शक्तियावेश अवतार कहलाते हैं। हरे कृष्ण। भगवान के जो वैकुंठ में स्थित भक्त है उनका भौतिक कोई लेना देना नहीं, लेकिन भगवान जब लीला करने के लिए स्वयं पृथ्वी पर आते हैं तो उनके नित्य संगी भी उनका सानिध्य प्राप्त करने के लिए साथ में आ जाते, और भगवान उनको विशेष कार्य में शक्ति प्रदत्त करते हैं, इसलिए उनको शक्तावेश अवतार भी बोला जाता। श्लोक संख्या 22। अथाते भगवल्लीला योग मायारुभ्रमिता विश्वस्थिति उद्भावानार्था वर्णायामि अनुपूर्वशा। मुख्य गोपी माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। अतः मैं आपसे उन लीलाओं का वर्णन करूंगा जिनके द्वारा भगवान विराट जगत में कर्मबद्ध सृजन भरण पोषण तथा संहार के लिए अपनी दिव्य शक्ति का विस्तार करते हैं। तो सर्वप्रथम किसकी चर्चा करने वाले हैं मैत्रेय मुनि? भगवान किस प्रकार इस सृष्टि का सृजन भरण पोषण और संहार करते हैं पुरुष अवतारों के रूप में, इसकी वर्णन आगे करने वाले। शकुन माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शिला प्रभुपाद की जय। अतएव मैं आपसे उन लीलाओं का वर्णन करूंगा जिनके द्वारा भगवान विराट जगत के क्रमबद्ध सृजन भरण पोषण तथा संहार के लिए अपनी दिव्य शक्ति का विस्तार करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य भी पढ़ दीजिए। सर्वशक्तिमान भगवान अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी कर सकते हैं। विराट जगत की सृष्टि उनकी योग माया शक्ति द्वारा की जाती है। हरे कृष्णा प्रभु जी। भगवान अपनी इच्छाओं के द्वारा किस प्रकार सृष्टि का भरण पोषण, उस सब का वर्णन मैत्रेय मुनि करने वाले। श्लोक संख्या 23। भगवान एक आसेदम अग्र आत्मान मनाम विभो आत्मनच्छेका तव आत्मा नानमति उपलक्षणा। मणि माता जी पढ़िए। समस्त जीवों के स्वामी भगवान सृष्टि के पूर्व अद्य रूप में विद्यमान थे। केदार उनकी इच्छा से ही यह सृष्टि संभव होती है और
सारी वस्तुएं पुनः उनमें लीन हो जाती हैं। इस परम पुरुष को विभिन्न नामों से उपलक्षित किया जाता है। सृष्टि के पूर्व अद्वय रूप में भगवान एकमात्र स्वयं ही उपस्थित रहते हैं, लेकिन फिर अपनी शक्तियों से अलग अलग वस्तुएं, अलग अलग जातियां, अलग अलग ग्रहों की उत्पत्ति करते हैं और इसीलिए अलग अलग कार्यों में, अलग अलग लीलाओं में, अलग अलग गुणों के रूप में भगवान को अलग अलग नामों से जाना जाता है। हरिप्रिय माता जी पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। यहाँ पर महर्षि श्रीमद् भागवत के चार आदि श्लोकों के अभिप्राय की व्याख्या प्रारंभ करते हैं। यद्यपि मायावाद निर्विशेषवाद के अनुयायियों की श्रीमद् भागवतम तक पैक नहीं है, किंतु कभी कभी वे उसके चार आदि श्लोकों की खींच तान कर काल्पनिक व्याख्या करते हैं, किंतु हमें मैत्रेय मुनि द्वारा यहाँ पर दी गई असली व्याख्या को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इसे उद्धव के साथ प्रत्यक्ष भगवान के मुख से सुना था। इन चार आदि श्लोकों की प्रथम पंक्ति है, अहम एवासम एवाग्रे। मायावादी इस अहम शब्द की ऐसी गलत व्याख्या करते हैं जिसे व्याख्याकार के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं समझ सकता। यहाँ पर अहम की व्याख्या परम पुरुषोत्तम भगवान के अर्थ में की गई है, व्यष्टि जीवों के अर्थ में नहीं। सृष्टि के पूर्व केवल भगवान थे, तब कोई भी पुरुष अवतार नहीं थे और जीव तो थे ही नहीं, ना ही भौतिक शक्ति थी जिससे व्यक्त सृष्टि प्रभावित होती है। तब सारे पुरुष अवतार तथा भगवान की सारी विभिन्न शक्तियां एकमात्र भगवान में समाहित थी। यहाँ पर भगवान को अन्य समस्त जीवों का स्वामी कहा गया है। वह सूर्य गोलक के तुल्य हैं और सारे जीव सूर्य की किरणों के अणु के तुल्य हैं। सृष्टि के पूर्व भगवान के अस्तित्व की पुष्टि श्रुतियों द्वारा हुई है, वासुदेवो वा इदम अग्र आसीत न ब्रह्मा न च शंकरा, एको वे नारायण आसीन ब्रह्मा निशाना। चूंकि प्रत्येक वस्तु भगवान से उद्भूत है, वे सदैव अकेले अद्वय रूप में विद्यमान रहते हैं। वे इस तरह विद्यमान रह सकते हैं क्योंकि वे सर्व संपूर्ण तथा सर्वशक्तिमान हैं। उनके अतिरिक्त हर वस्तु, यहाँ तक कि उनके स्वांश विष्णु तत्व भी उनके अंश है। सृष्टि के पूर्व ना तो कारणवशाई विष्णु, ना गर्भोदक्षाई विष्णु या शिरोदक्षाई विष्णु या ब्रह्मा अथवा शंकर ही थे। विष्णु तत्व तथा ब्रह्मा इत्यादि सारे जीव भिन्नाश हैं। यद्यपि आध्यात्मिक जगत भगवान के साथ था, किंतु भौतिक जगत उनमें सुसुप्त था। केवल उनकी इच्छा से भौतिक जगत बनता तथा बिगड़ता है। वैकुंठ लोक की विविधता भगवान से एकाकार है, जिस तरह सैनिकों की विविधता राजा से तदाकार होती है, जैसा कि भगवद्गीता 9:7 में बतलाया गया है। भौतिक सृष्टि भगवान की इच्छा से होती है और सृष्टि तथा प्रलय के कुछ अंतराल के बीच की अवधियों में जीव तथा भौतिक शक्ति उनमें सुसुप्त रहते हैं। हरे कृष्ण। तो जो हमने द्वितीय स्कंद में चतुश्लोकी भागवत देखी थी, उसी भागवत का विस्तार अभी मैत्रेय मुनि विदुर को सुनाने वाले हैं। और ये तृतीय स्कंद में बड़ा विस्तार से सृष्टि, संहार और पालन भगवान कैसे करते हैं, यह सब के विषय में है। कठिन थोड़ा सा होगा आगे जाके, लेकिन अगर क्रमबद्ध रूप से, नियमित रूप से रोज हम लोग पढ़ेंगे तो लिंक हमको समझ में आएगी कि किस प्रकार भगवान की सृष्टि लीला होती है। और उसके बाद अनेक अनेक अवतारों का वर्णन है, आगे जाके हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु किस प्रकार जन्म लेते हैं, कैसे भगवान का वध करते हैं, इत्यादि सारी कथाएं तीसरे स्कंद में हम आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद। किसी का कोई प्रश्न है? यस राजीव प्रभु। हरे कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी, इसमें भी लिखा था कि सृष्टि के परम में भगवान अद्वय रूप में थे। अद्वय रूप कैसे प्रभु जी? अद्वय मतलब एक, वन विदाउट सेकेंड, उनके अलावा और कोई नहीं था, ये अद्वय रूप। बाद में उन्होंने विस्तार किया जीवात्माओं के रूप में, अलग अलग ग्रहों के रूप में, देवताओं के रूप में, जो हमने दूसरे स्कंद में देखा था। लेकिन जब सृष्टि के पहले अद्वय मतलब उनके बिना और कोई नहीं था। प्रभुपाद इंग्लिश में लिखे हैं वन विदाउट सेकेंड, दूसरा कोई नहीं था। जगदीशानंद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन तो नहीं, थोड़ा डाउट था कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की उत्पत्ति की तो जीव भी यानी ब्रह्मा जी की वजह से आए या भगवान की वजह से आए? जीव भगवान की वजह से आए, सृष्टि भी भगवान, प्रथम सृष्टि भगवान ही करते। ब्रह्मा का काम होता है सृष्टि को भरना,
जैसे सिंपल उदाहरण है, जैसे कोई कॉन्ट्रैक्टर पहले सिविल स्ट्रक्चर बना देता है और फिर इंटीरियर आर्किटेक्ट उसमें फर्नीचर कहाँ रखना है, टेबल कहाँ रखना है, कुर्सी कहाँ रखना है, वो काम करता है। ब्रह्मा जी द्वितीय सृष्टा है, इंटीरियर डेकोरेटर, लेकिन मेन जो ढांचा है, मेन ग्रह है, जीवात्माओं का भौतिक संसार में आना है, यह सब भगवान स्वयं कर। अच्छा ठीक है राइट। बसंत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये जो 18वें श्लोक में जब मैत्रेय मुनि जी बताना शुरू करते हैं तो उस टाइम वे विदुर जी के बारे में बताते हैं कि तुम्हारा जो मन है सदैव ब्रह्म के विचारों में लीन रहता है, तो ब्रह्म में लीन का यहाँ क्या समझ सकते हैं? हरे कृष्ण। इंग्लिश में प्रभुपाद ने लिखा है ट्रांसेंडेंस, वास्तव में उसका अनुवाद होना चाहिए दिव्य चेतना में हमेशा आपकी मति लगती, लेकिन उन्होंने ट्रांसलेशन में लिख दिया ब्रह्म। अब ब्रह्म सुन के भक्तों को थोड़ी एलर्जी हो जाती है, अरे ब्रह्मवादी तो नहीं है विदुर, ब्रह्मवादी नहीं है। इंग्लिश में जो प्रभुपाद लिखा है ट्रांसेंडेंस, ट्रांसेंडेंस मतलब दिव्य विचारों में, भगवान के विचारों में, भक्ति के विचारों में, इसमें आप हमेशा लगे रहते, वो मुख्य जी, जी। थैंक यू प्रभु। मुख्य गोपी माता जी। प्रभु जी, विदुर व्यासदेव जी के पुत्र कैसे हुए? क्योंकि वो उनके पुत्र थे, ऐसे हुए। जब चित्रांगद और विचित्र वीर की मृत्यु हो गई थी और कुरु वंश में कोई पुत्र नहीं था, तो कलयुग के पहले युगों में इस प्रकार का सिस्टम था कि अगर ऐसी कोई समस्या आए जहां राजवंश में कोई पुत्र ना हो, कोई उत्तराधिकारी ना हो, तो भाई अपने दूसरे भाई के पत्नी को गर्भवती कर सकते हैं, ऐसा पूर्ववर्ती युगों में अलाउड, कलयुग में बंद है। तो अब सत्यवती जो उनकी माता है वो सोचने लगी, भाई तो तीन है, विचित्र वीर, चित्रांगद और भीष्म, लेकिन भीष्म तो ब्रह्मचारी है, अभी चित्रांगद और विचित्र वीर दोनों की मृत्यु हो गई, अब किसकी किसको लाएंगे, किससे हम लोग ये राजवंश आगे बढ़ाएंगे। तो सत्यवती ने बताया हमारे एक और पुत्र हैं व्यासदेव जो वन में हैं। व्यासदेव को बुलाया गया कि आप इनको गर्भवती कीजिए। व्यासदेव ने शास्त्र उन्मुख जो सिद्धांत था उसको पालन करते हुए विचित्र वीर, चित्रांगद, उनकी पत्नी दो अंबा और अंबिका से पांडु और धृतराष्ट्र को जन्म दिया, और उनकी जो एक और साथ में दासी रहती थी उनके गर्भ से विदुर को जन्म दिया। इसलिए ये तीनों भाई हैं, धृतराष्ट्र, पांडु, विदुर व्यासदेव के पुत्र हैं। ठीक है, ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण। यमुना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे कि आपने बताया विदुर द्वादश महाजनों में एक थे, द्वादश और बारह यमराज, यमराज विदुर मतलब, हाँ यमराज विदुर है, यमराज द्वादश मतलब बारह, बारह महाजन उनमें से एक यमराज। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम। तो आज बहुत ही पावन एकादशी का दिन है, हम लोग मंदिर में जो भक्त आए हैं आज मॉर्निंग प्रोग्राम के लिए, सब लोग मिलके 32 माला जप कर रहे हैं, तो आप लोग भी घर में, जो लोग नहीं आ पाए घर में कर सकते हैं एक्स्ट्रा कुछ जप, लेकिन जो मंदिर में आए हैं अभी गुरु पूजा के बाद, आप सब दक्ष प्रभु को संपर्क करना, हम लोग एक जगह बैठ के 32 राउंड्स कंप्लीट करेंगे। प्रभु जी, प्रभुपाद की। हाँ कौन बोल रहा है? आपकी वीडियोस अपलोड नहीं हो रही क्लासेस की। हाँ मेरा लैपटॉप क्रैश हो चुका है, मैं अभी उधार के लैपटॉप से क्लास दे रहा हूँ, तो इसलिए मैं कुछ क्लास वगैरह रिकॉर्ड तो हो रहा है लेकिन अपलोड नहीं हो पा रहे हैं, तो देखते हैं कितना दिन लगते हैं। ठीक है। प्रभुपाद की जय।